हेलो एवरीवन, दिस इज मी साफिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाह रहे हैं कि पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। अच्छा, रीडिंग में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रही थी, फिर कॉल आ गई तो जिसकी वजह से रीडिंग रुक गई थी। सो आई एम जस्ट गोना कंटिन्यू विद द सेम कार्ड। इसके अलावा भी कार्ड्स पुल आउट करेंगे, मैसेजेस भी ऐड करेंगे आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्स और टेम्परेंस, और फिर है 2 ऑफ वॉन्स। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, ये पर्सन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है राइट नाउ। अपने करियर गोल्स, अपने वर्क गोल्स, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सब चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। बट एट द सेम टाइम ये सब करते हुए भी दिस पर्सन कैन नॉट फोरगेट यू और फोरगेट द मोमेंट्स जो उन्होंने आपके साथ बिताए हैं। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनके लिए फिलहाल ये रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा जितना उनके लिए बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए विद 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इट सीम्स लाइक ये पर्सन जो है चाहते हैं कि वो आपको इस रिलेशनशिप को टाइम दें, इस कनेक्शन को टाइम दें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लिए इस कनेक्शन के लिए स्टैंड अप कर सकें, स्टैंड ले सकें, हैंडल कर सकें सिचुएशन को इन अ बेटर वे। कहीं ना कहीं उनको उनको करेज और डिटर्मिनेशन चाहिए, जो कि राइट नाउ उनको नहीं फील हो रही है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। रीजन क्या है? क्योंकि उनका करेज और उनका जो डिटर्मिनेशन है वो उनके और गोल्स पे लगा हुआ है। आप ऐसे काफी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन वर्कहॉलिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम में और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में बिजी हैं, बट एट द सेम टाइम उनके माइंड से आप निकलते नहीं हो। एट द सेम टाइम इशू ये है कि वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको फोकस रखना है अपने आप को, अपने करियर के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर। लेकिन क्योंकि वो आपको मिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं और उनका दिल करता है कि वो आपके लिए स्टैंड ले, एक्शन ले, आपको आपकी तरफ कोई कोई सॉलिड स्टेप ले अपने अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, उनको अभी टाइम लगेगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है पर्सनल लेवल पर, वो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को यू हैव नो आइडिया कि पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं, किस तरह की डिफिकल्टीज हैं, किस तरह की सिचुएशन है जो कि डेली बेस पर वो डील कर रहे हैं। आपको वो स्टिल मिस करते हैं, वो आपको स्टिल मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको चाहते हैं, चीज़ों को वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना करेज नहीं है कि या इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो दोनों सिचुएशन को हैंडल कर सकें। एक तो ऑलरेडी कुछ चल रहा है मसला उनकी लाइफ में, दूसरा ये रिलेशनशिप की सिचुएशन जो है वो भी उनको बॉदर करती है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि विद द टेम्परेंस कार्ड, मुझे लगता है कि आपको पेशेंट रहना चाहिए इस इंसान के साथ, स्पेशली इफ़ यू लव देम एंड इफ यू वॉन्ट टू रिकनसाइल विद देम। आपको पेशेंटली इस सिचुएशन को डील करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स नेक्स्ट वेयर, ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में सोचेंगे, इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। फिलहाल थोड़ा पॉज और ब्रेक है आपके पर्सन के एंड से। लेट्स सी मोर कार्ड्स, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर जो उनका आपके साथ था। डेथ, काफी कुछ बदल रहा है, काफी कुछ बदल चुका है। 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके पर्सन अपनी सिचुएशन को जब एनालाइज करते हैं, उनको लगता है कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है इस कनेक्शन में आपके और उनके दरमियान में। चीज़ें या तो ख़त्म हो चुकी हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। उनको कभी कभी लगता है कि शायद आपकी तरफ से कनेक्शन ख़त्म की है, या आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कनेक्शन ख़त्म की है, लेकिन विद दिस कार्ड हियर इट इंडिकेट्स कि ऐसा नहीं है, ऐसा उनको लगता है। और यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन रात को सोचते हुए उठते हैं आपके बारे में और उनको रियलाइज होता है कि नहीं, दिस इज नॉट द केस। उनको अगर लग रहा था कि कनेक्शन खत्म हो चुका है तो ऐसा नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। वो आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर डेफिनेटली सोचते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं जो स्ट्रेसेस हैं इस रिलेशनशिप में, जो सिचुएशंस हैं जो कि आप दोनों को बॉदर करती हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ये पर्सन चाहेंगे कि उन स्ट्रेस लेवल्स को कम करके आपकी तरफ एक्शन ले सके, सिचुएशन को बेटर कर सकें, आप दोनों के दरमियान में जो सिचुएशन चल रहा है उसको हैंडल कर सके इन अ गुड वे। लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, क्या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा।
वी डू हैव द हैंगमैन, तो एक्शन तो लेगा लेकिन इसको भी टाइम लग सकता है. जैसे मैंने पहले मेंशन किया, इतनी जल्दी चीजें वैसी नहीं होने वाली हैं जैसा आप चाहते हो. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो आपकी प्रेयर्स हैं, विशेस हैं, डिजायर्स हैं, वो मैनिफेस्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लग सकता है. लेकिन आपका रिकन्सिलिएशन या आपका पैचअप या आपकी कम्युनिकेशन इस इंसान के साथ डेफिनेटली आएगी. सिचुएशन थोड़ी बेहतर होगी. इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट मुझे आने वाले टाइम में तो नहीं दिख रही है, लेकिन स्लोली बट श्योरली आपके पर्सन अपने आप को होल्ड बैक नहीं रखेंगे. आप ऐसे कुछ लोगों के लिए 4 महीने 4 हफ्ते लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये पर्सन एक्शन लेगा आपकी तरफ. तो मुझे लगता है कि आप दोनों का पैचअप होगा, लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसमें आपको थोड़ा पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा. लेट्स सी कि पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए गिवन सिचुएशन में. क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे? फाइनेंशियल डिफरेंसेस दैट वी हैव विल बी एन इश्यू. माय फैमिली वोंट अप्रूव. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनकी फैमिली इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करेगी. सो वो एक मेजर रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों का सिचुएशन ऐसी है जैसी है. बट लेट्स सी योर मैसेजेस क्या है पर्सन के. आई डोंट नो हाउ टू फिक्स थिंग्स बट आई वॉन्ट टू. उसको समझ नहीं आ रहा कि इस कनेक्शन में चीज़ों को फिक्स कैसे किया जाए, लेकिन वो डेफिनेटली कनेक्शन को चीज़ों को फिक्स करना चाहता है इस रिलेशनशिप में. सो अगर आपको लगता है कि शायद दे डोंट वॉन्ट यू, ऐसा नहीं है. आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और अक्सर यू नो इस सिचुएशन को कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या किया जा सकता है, लेकिन दे नीड टू हैव मोर स्ट्रेंथ. उनको स्ट्रेंथ चाहिए, उनको और स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी फैमिली के सामने, अपने लोगों के सामने, आपको लेकर. लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा है. इफ एंड व्हेन आई एम रेडी टू कमिट, यू आर एंड यू विल ऑलवेज बी माय फर्स्ट चॉइस. आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी वो इस सिचुएशन में आएंगे जहां पर वो रेडी हो सकते हैं, जब भी वो इस सिचुएशन में आ सकते हैं जहां पर वो आपको कमिटमेंट वो कमिटमेंट कर सकें किसी के साथ, वो आपको ही चूज करेंगे. आप उनकी फर्स्ट चॉइस रहोगे. Let's see more cards. और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे? और क्या है मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए? I am a better person because of you. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपकी वजह से एक बेटर इंसान बन पा रहे हैं. सो कोशिश करो कि यू स्टे पेशेंट विद दिस पर्सन. और जो सिचुएशन आप चाहते हो वो होने के चांसेस काफी स्ट्रांग है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा एज यू वेट व्हाइल यू वेट. लेट्स सी कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन को लेकर. अट्रैक्शन. यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में जो चाह रहे हो उस इंसान के साथ वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो आप क्रिएट कर सकते हो. लेकिन और स्पेशली अगर हम बात करें कि जल्दी मैनिफेस्ट करने की, तो आपको राइट नाउ अपने आप को अपसेट नहीं करना है इस सिचुएशन को लेकर. आपको चीज़ों को लाइट हार्टेड लेकर चलने की ज़रूरत है और कोशिश करो कि एज यू वेट व्हाइल यू वेट आप लिव इन द मोमेंट करो और अगर आपको मैनिफेस्ट करना है रिकन्सिलिएशन पर्सन के साथ जल्दी, तो थिंक ऑफ द गुड टाइम्स जो आप दोनों के साथ बिताए हैं, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, ताकि आपकी एनर्जीज जो है उन मोमेंट्स में इतनी खोए हो ताकि आप उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सको क्विकर इन योर लाइफ. सो वो बहुत ज़रूरी है एज कम्पेयर टू जो आप सोच रहे हो या जो आपके फियर्स हैं. अगर आप उनके पर फोकस रहोगे तो आपको वो चीज़ें जो आप चाहते हो वो दूर होती जाएंगी आपसे. अगर आप चाहते हो कि यू अट्रैक्ट द लव दैट यू वॉन्ट, तो आपको लिव इन द मोमेंट करते हुए अपने माइंड को फोकस करना है अच्छे मोमेंट्स के ऊपर जो कि आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए थे. सो उससे आपकी जिंदगी में वो पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे जो आप डिजायर करते हो. स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. सो अगेन पॉजिटिव थिंकिंग जैसे मैं कह रही थी वो, और आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना अपनी पर्सनल अपनी लव लाइफ को लेकर वो बहुत जरूरी है. चीजें वर्कआउट हो जाएंगी. सो ये है रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.